नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा के कर्मचारी को आज उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जो उनका 6 महीने का वेतन था उसका भुगतान किया है। आपको बता दें कि उद्योग भवन में आज मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तमाम जो कर्मचारी थे उन्हें वेतन देने के लिए बुलाया था। और ये जो मामला है काफ़ी पुराना है, 1992 में जब ये फैक्ट्री बंद हुई थी उसके बाद से ही लगातार लोग इंतजार में थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन जब 97-98 की बात आए उस वक्त भी काफ़ी कुछ हुआ था लेकिन उनके पैसे नहीं मिल पाए थे। लेकिन एक लंबे वक्त के बाद जब कई कर्मचारी अब जीवित भी नहीं है और जो बचे हुए कर्मचारी है उन्हें बुलाया गया और उन्हें 6 महीने का वेतन भुगतान किया गया बिहार सरकार की ओर से। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एक बुजुर्ग कर्मचारी ने हंगामा कर दिया और कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए क्योंकि महज 29,000 से हमारा क्या होगा। जिसके बाद मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं बुजुर्ग का वो बयान, जब बुजुर्ग नाराज नजर आते हैं मंत्री शाहनवाज हुसैन के ऊपर, उद्योग विभाग के ऊपर, क्योंकि महज 29,000 से उनका क्या होगा जबकि लाखों रुपये उनकी सैलरी बनती है। क्या कुछ कहना है पहले बुजुर्ग का, आपको पहले हम वो सुनाते हैं। कहते हैं कि सर हम उसको 12-13 लाख रुपया होता उसके जगह पर 29,000 सिर्फ पेमेंट हुआ है 6 महीना का। तो इस प्रकार से अब तो हम बुजुर्ग हो गए, स्वर सिधारने की उम्र हो गई है, स्वास्थ्य खराब रहता है, ये 29,000 रुपया से मेरा दवाई भी नहीं होगा। आया तो बहुत आशा से कि हमें मिलेगा लेकिन यहाँ तो पहले मुझको बताया नहीं गया था। यहाँ आने में भी बहुत परेशानी हुई है, फतुहा से आए हैं। 98 के बाद से 14 में मैं रिटायर किया हूँ, 14 तक मेरा बकाया और भी शादी का तो 18 में किया, कोई 17 में किया, कोई 20 में किया, उसको उस तरह से बकाया। अब बताए ना, 15 साल का बकाया वेतन है मेरा, कितना पैसा मिला? मात्र 29,000। कितना बना? वो 14 लाख करीब था, 13-14 लाख। तो आपने सुना बुजुर्ग जो कर्मचारी हैं साफ तौर पर अपने दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन इसी मौके पे शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी सफाई दी और सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, आए आपको हम वो सुनाते हैं। जितना जितना बजट में मिल रहा है उसमें क्या है कि बहुत से लोगों के लोग मर भी गए, तो आश्रित को भी देना होता है, वेरीफाई कराना पड़ता है। तो तरीका ये होता है कि पहले हम 6 महीना का देते हैं ताकि ये सही हो कि हमने सही लोगों को दिया, और किसी को 7 लाख देना है, किसी को 6 लाख देना है। अभी हम भागलपुर में 40 करोड़ रुपया अलग निगम को देकर आए। यहाँ भी ये लालू जी के टाइम में ही स्कूटर इंडिया, स्कूटर वो था इंडिया जो बंद हो गया, उसके जो कर्मचारी उनको 92 के बाद हम पैसा दे रहे हैं। ये बिहार स्कूटर इंडिया औद्योगिक विकास में जो था ये 26.98 एकड़ ज़मीन था इसका फतुहा में, और इसके वो बंद कब हुआ था? 93 में बंद हो गया। ये देखिए, कारखाने का उत्पादन नहीं होने के कारण 92 में उत्पादन बंद हो गया। 93 में तब हम लोग पढ़िए लिख रहे थे तब बंद हो गया, और उसके बाद से पैसे नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने बुलाया है आज, इसलिए 6-6 महीना का दिया। जो कई लोग कह रहे होंगे कि बड़ा कम दिया जी, तो पहले हम लोग 6-6 महीना ही देते हैं ताकि वो वेरिफिकेशन हो जाता है। एक बार किसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी गलत को मिल जाए लेकिन सही न छूटे, तो हम लोग सही लोगों को उनके आश्रित को बता करके दे रहे हैं। अभी टोटल पैसा कितना देंगे? 4.5 करोड़ तो इसी में हम लोग 4 करोड़ रुपया ही बाकी है, ठीक है ना, वो हम लोग दे देंगे। और आज 21 लाख दिए है ना, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए देना ऐसे ही होता है, पहले 6 महीने का ही देते हैं बाद में। तो ये जो 4 करोड़ रुपए जो बकाया है वो बजट सेशन के बाद इनको दे देंगे। तो एक तो कोई देता नहीं था।
तो आपने सुना उद्योग मंत्री के कार्यक्रम में जब बुजुर्ग अपनी मांग को लेकर हंगामा करते चिल्लाने लगते हैं, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर दिखती है। लेकिन बुजुर्ग का साफ तौर पर कहना है कि महज 29,000 रुपये से क्या होगा, जबकि आपको बता दें कि RTGS के माध्यम से तमाम लोगों को या फिर जो अब जीवित नहीं है उनके परिजनों को बुला के जो पैसे हैं वो दिए गए हैं। लेकिन जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ दिखे इस रवैये से, क्योंकि महज 29,000 से क्या होगा, जिस पर मंत्री शहनवाज हुसैन ने सफाई दी और सफाई देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में और भी लोगों को हम देंगे, ये बस एक वेरिफिकेशन के लिए कि 29,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो 29,000 रुपये में सही तरीके से अगर इनका बैलेंस चला जाता है तो आगे भी धीरे धीरे करके इनका जो बैलेंस है वो इन्हें दिया जाएगा, यानी कि इनकी रकम जो है आगे भी चेक के माध्यम से मिलती रहेगी। साफ तौर पर मंत्री शहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने राजद पर भी हमलावर दिखा और कहा कि लालू जी के रीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम कर रहे हैं, हमारी सरकार 15 साल से और लगातार हम काम कर रहे हैं और हम बुला बुला के लोगों को पैसे दे रहे हैं, जबकि ये चीज़ पहले ही होनी चाहिए थी। राजद पर हमलावर नजर आए मंत्री शहनवाज हुसैन। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24 न्यूज़।